जीत के बाद मिली बड़ी खुशखबरी। वहीं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका। चेन्नई और राजस्थान हैरान और परेशान। कल दिल्ली की जीत के बाद आईपीएल का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। कई टीमों को फायदा मिला है तो कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो में हम आप लोगों को पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण विस्तार से बताएंगे कि कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में जाए तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विस्तार से जान लेते हैं कौन सी टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए कितने मैचेस जीतने होंगे। बात कर लेते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे बनी है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक खेले हैं 9 मुकाबले, 3 में उनको शानदार जीत हासिल मिली और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स ने नेट रन रेट है -0.768 का और उनके होते हैं कुल 6 पॉइंटों के साथ वो बने हुए नंबर 10 पे। दिल्ली कैपिटल्स को क्वालिफायर करने के लिए बचे हुए 5 मुकाबलों में 5 भी जीतने होंगे। नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 पे आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। हैदराबाद ने कुल अभी तक की 8 मुकाबले खेले, 8 मुकाबलों में उनको 3 जीत तो वही 5 हार का सामना करना पड़ा है। उनके कुल पॉइंट होते हैं 6 पॉइंट के साथ वो बने हुए हैं नंबर 9 पे। नेट रन रेट पे अगर नजर डालें तो उनका नेट रन रेट होता है -0.577 का। हैदराबाद को अगर क्वालिफायर करना है तो क्वालिफायर करने के लिए बचे हुए अपने 6 मुकाबले जीतने होंगे और अन्य टीम के ऊपर निर्भर भी करना होगा। करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 पे कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक के कुल खेले हैं 9 मुकाबले, 9 मुकाबले में उनको शानदार 3 मैचों में जीत मिली, 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना करने के बाद उनके कुल होते हैं 6.6 का नेट रन रेट होता है -0.147 का। कोलकाता को क्वालिफायर करने के लिए बचे हुए 5 मैचों में 5 मैच जीतने के बाद उनको अगली टीम पे भी निर्भर करना होगा। करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पे है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने अभी तक की कुल 8 मुकाबले खेले, 8 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को मिली है 4 जीत और 4 में सर्वनाक हार का सामना करना पड़ा। मुंबई के होते हैं 8 पॉइंट, 8 पॉइंट के साथ उनका नेट रन रेट की बात करें तो उनका होता है -0.502 का नेट रन रेट। बात करें अगर उनको क्वालिफायर करने के लिए कितने मैचेस जीतने होंगे तो मुंबई को क्वालिफायर करने के लिए अपने सारे बचे हुए मैचेस जीतने होंगे, सारे मैचेस जीतने के बाद उनको अन्य टीम पे निर्भर भी करना होगा। आज से बनी हुई पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने अभी तक खेले हैं 9 मुकाबले, 9 मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने 5 में शानदार जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा। उनके होते हैं टोटल 10 पॉइंट, 10 पॉइंटों के साथ उनका जो किंग्स का नेट रन रेट होता है -0.447 का। पंजाब किंग्स को क्वालिफायर करने के लिए अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने हैं। हमारे नंबर 5 बनी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बैंगलोर ने खेले अभी तक के 9 मुकाबले, 9 मुकाबलों में 5 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबले में हार। मैच जीतने के बाद बैंगलोर को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। बैंगलोर का जो नेट रन रेट है उसमें सुधार आया, अब बैंगलोर का नेट रन रेट हो जाता है -0.30 का, 10 पॉइंट, 10 पॉइंटों के साथ वो बने हुए नंबर 5 पे। बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पर बनी है सीएसके। सीएसके ने अभी तक खेले हैं 9 मुकाबले, 9 मुकाबले में 5 में उनको शानदार जीत मिली, 4 में हार का सामना करना पड़ा है। उनका जो नेट रन रेट होता है वो +329 का होता है, 10 उनके पॉइंट होते हैं। तो सीएसके को क्वालिफायर करने के लिए अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने होंगे, सीएसके क्वालिफायर कर जाएगा। बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर बनी हुई लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मैच हारने की वजह से नंबर 3 पे आ गई, वरना ये नंबर 2 पे थी। बात कर लेते हैं उनके पॉइंट के, तो अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेले हैं 9 मुकाबले, 9 मुकाबलों में 5 में शानदार जीत मिली और 4 में हार का सामना करना पड़ा। बात कर लेते हैं उनके नेट रन रेट के बारे में, तो उनका होता है +639 का। बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पर बनी हुई राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक के 9 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबलों में 5 मुकाबलों में उनको शानदार जीत मिली और 4 में हार का सामना करना पड़ा। उनका नेट रन रेट होता है 800+ का। उनको अगर क्वालिफायर करना है तो बाकी के बच्चे 5 मुकाबलों में 4। नंबर 1 पर बनी हुई गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने कुल अभी तक खेले हैं 9 मुकाबले, 9 मुकाबलों में 6 में उनको शानदार जीत मिली और 3 में हार का सामना करना पड़ा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स से हारने के बाद उनके नेट रन रेट में काफ़ी ज़्यादा गिराव आया। गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट होता है +532 का। उनके होते हैं 12 पॉइंट, 12 पॉइंट के साथ वो बने हुए नंबर 1 पे। उनको क्वालिफायर करने के लिए चाहे अपने 5 मैचों में 3 मैचों में जीत हासिल करनी होगी, गुजरात क्वालिफायर कर जाएगा। यह है पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण।